जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो फोर उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का पार्ट है, और 19 अप्रैल को जो है इसमें पोलिंग होगी, जो सारी जनता को, पब्लिक को जो है वो इस चीज़ का पता है। तो उसके साथ जो है वो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2,19,000 हमारे वोटर हैं, और ये जो है 19 अप्रैल 2024 को जो है वो पोलिंग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो जो मिशन है कि किस तरीके से हमारी पोलिंग जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो होनी चाहिए। तो मेरी तमाम पब्लिक से ये अपील है कि इस फेस्टिवल को भी धूमधाम से मनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें, ताकि अपने मुस्तकबिल का जो फैसला वो खुद कर सकें। बाद हमारे कुछ जो लो पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पे परसेंटेज वोटिंग की बहुत लो है, उन एरियाज के अंदर जो है वो हमने स्वीप के प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि उनके अंदर पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज हो, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को पोलिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर हो जाए। इलेक्शन की प्रिपेयरनेस जो है ये सिर्फ चार चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, कि हमारा इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए। सारा जितना भी इलेक्शन का मैनेजमेंट है, इलेक्शन की प्रिपेयरनेस है, इलेक्शन की डायरेक्शंस है, वो इसी कंट्रोल रूम से जाती है। मैं इस कंट्रोल रूम में दिन में भी 2-3 घंटे बैठता हूँ, शाम में भी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, या 11 या कभी 12 भी बज जाते हैं एज पर वर्क रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से जो है वो प्रॉपर हम यहाँ बैठते हैं, SSP साहब भी यहाँ बैठते हैं। हमारे 348 पोलिंग स्टेशन है, और पूरी दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बनिहाल में भी और रामबन में। हमारे 12 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उसकी डिटेल दें। मेरे लिए भी हदायत है, मीडिया हजरात के लिए भी हदायत है, और पोलिंग पार्टीज के लिए भी हदायत, कि आप जो है वो पोलिंग प्रोसेस को कवर कर सकते हैं, लेकिन एक दायरा है, उस दायरे के अंदर कोई भी आदमी जो है वो पोलिंग पार्टीज को छोड़ के कोई भी आदमी उसमें अलाउड नहीं होता, और एक्सेप्ट उसमें वोटर वन बाय वन करके। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है पीओज को भी सेंसिटाइज किया जाएगा। मैंने एक मीटिंग जो है वो मीडिया, जितने भी मीडिया के हमारे पर्सन है उनके साथ भी जो है, ताकि वो सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, उनके साथ जो है वो उनके आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे कि आपका क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, किस एरिया के अंदर आपकी एक्सेसिबिलिटी होगी, किस एरिया के अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। तो वो सारा ट्रेनिंग में क्लियर किया जाएगा, और एक बार जो है ईद या फेस्टिवल होंगे तो उसके बाद लोगों की मूवमेंट भी होगी। तो मेरी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखें, ताकि आपका प्रोसेस भी स्मूथ चलता रहे। ये आपका फेस्टिवल है, हम नहीं चाहते हैं कि फेस्टिवल में किसी किस्म की कोई रिकावट हो, क्योंकि अगर MCC की कोई भी वायलेशन होगी तो उस वायलेशन को जो के लिए उसके अगेंस्ट में जो है वो एक्शन इनिशिएट किया जाता है।